हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बनाएंगे बहुत ही इजी एंड सिंपल चिकन कोरमा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बनाना। कोरमा बनाने के लिए मैंने ये लिया है 300 ग्राम चिकन। अब इसमें ऐड कर देंगे एक चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच भरकर डालेंगे जीरा और धनिया का पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और ऐड कर देंगे इसमें दही। ये मैंने 150 ग्राम दही लिया है। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। वन टेबल स्पून नमक भी ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब चिकन को मैरिनेट करने के लिए रख देंगे आधे घंटे के लिए। अब हम प्याज का बिरिस्ता बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने एक कढ़ाई में 2 कप ऑयल गरम कर लिया है। तेल गरम हो चुका है, इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटी प्याज। तो मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज को एकदम बारीक काट लिया है, वो इसमें डाल देंगे। और अब हम ऑनियन को फ्राई कर लेंगे। इसे हमें अच्छे तरीके से गोल्डन फ्राई कर लेना है। और अब प्याज हमारी गोल्डन फ्राई हो चुकी है, तो अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। प्याज हमारी ठंडी हो चुकी है, अब हम इसका एक पेस्ट बनाएंगे। तो इसमें हम ऐड करेंगे 8 से 10 ये भिगोए हुए काजू और एक छोटा जायफल का टुकड़ा। इन तीनों का एक बारीक पेस्ट बना लेंगे थोड़े से पानी के साथ। जिस ऑयल में हमने प्याज फ्राई की थी उसी ऑयल में हम ग्रेवी बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी कम कर ली है। तेल गरम हो चुका है, इसमें ऐड कर देंगे 2 तेज पत्ता और ऐड कर देंगे खड़े गरम मसाले। तो इसमें लिया है काली मिरी, इलायची, दालचीनी और चक्रीफूल। खड़े मसालों को तेल में 2 मिनट के लिए सोटे कर लेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे ये प्याज और काजू का पेस्ट। फ्लेम को लो रखेंगे और लो फ्लेम पर इसे 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। प्याज के पेस्ट को भुनने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा था। चिकन को अब हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए चलाते हुए कुक कर लेंगे। चिकन को हमने चलाते हुए 2 से 3 मिनट कुक कर लिया है। अब हम जो है फ्लेम को लो कर देंगे और इसे ढककर कुक कर लेंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं और हमने जब इसे ढककर कुक किया था तो हमने इसमें ज़रा भी पानी ऐड नहीं किया था, लेकिन इसमें देखिए काफ़ी पानी रिलीज़ हो चुका है। तो अब हमें जितना कोरमा बनाना है उस हिसाब से हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 गिलास भरकर पानी। इसे मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हाई कर दिया है और ये देखिए इसमें बॉईल आना शुरू हो चुका है। तो अब फ्लेम को लो कर देंगे और इसे ढककर कुक कर लेंगे जब तक कि चिकन पूरी तरीके से पक नहीं जाता। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर जो है देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है और चिकन भी हमारा अच्छी तरीके से कुक हो गया है। कोरमा बिल्कुल रेडी है। तो अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हरा धनिया। रेडी हमारा चिकन कोरमा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।